मैं जगप्रीत सिंह कीर्तिक सान यूथ विंग का जनरल सैकटरी पिंड कोटला गुजर। की मामला सर? मामला जो जमीन का आ, जमीन जी मेरी माता के नाम डेढ़ किला जमीन आ, खाते जोड़े सांझे होंगे आ, खास खाता तो कोई पैदा ही नहीं आ, पर आ जमीन जी मेरी माता के नाम इतने डेढ़ किला थान आ, इतने मेरे अही काबजे पूरे। अच्छा, और इतने साढ़े शरीके के चाचे ताए के जोड़े बच्चे पोते आ, उन्होंने इतने लिया के पहला तो पिंड उतों घरों लिया के इतने संस्कार कर दिता। ठीक है, जबरदस्ती अपने भरा का वह नाम मलकीत सिंह शेरा जिहड़ा बंब ब्लास्ट जिहड़ा होया सी तरन तरन कांड उहदे विच जिहड़ा फड़िया सी, उहदी हुण कुछ दिन पहला मौत हो चुकी आ शूगर की बीमारी के नाल, और उहदी इत्थे संस्कार कर दिता। असीं थोड़ा विरोध जताया पर लोकी समाज दे सहमत हो गए, कहिंदे वी यार इहदी ना करो कोई गल नहीं, संस्कार कर लैंदो। असीं कहा चलो कोई गल नहीं, संस्कार कड़ी जमीन चुक लै चलिया कोई, और इन्हां ने असीं जिहड़ा इहदा इह फायदा उठाया भी इन्हां ने। मैं अज अपने फादर साहब के नाल डी एम सी अपनी माता और फादर साहब दवाई दौन गया सी, इन्हां ने मगरों 25-30 निहंग सिंह लिया के जिहड़ा निशान साहब जिहड़ा मेरी जमीन में आण के गड के दिता, जिहड़ी कि कोर बेदबी जिहड़ी आ निशान साहब की भी की इन्हां ने, कोर बेदबी निशान साहब की की। निशान साहब जिहड़े कोई खुल्लियां जगह में लाने वास्ते थोड़ा होंदे आ, निशान साहब साढ़े आ दरबार साहब साडा निशान साहब आ, साढ़े पिंड के जिहड़े समाजिक गुरद्वारे साढ़े उन्हां दे विच निशान साहब आ, ये जिहड़ी खुली जमीन के निशान साहब लिया के रख देना। इत्थे टट्टी भी लोग बहिंदे आ, पेशाब भी लोग करते आ, एक होर बेदबी इन्हां ने निशान साहब की इत्थे की आ। उन्हों का की पता नहीं की मकसद है निशान साहब लाने का, की पता उन्होंने मकसद हो शायद इतने गुरद्वारा बना लीए। ठीक है, नवीन गुरविंदर कौर जी वो जमीन है 3 कनाल 6 मरले थान जोड़ा है, ये गुरविंदर कौर का है, मेरे माता लगते हैं। हाँ बस यो वे मन गए ना भी ये जी जमीन उन्होंने आ, कह चीज़ मन गए भी जमीन उन्होंने आ, पर मैं क्यों लवा जमीन होर किस थान से, मेरी जो जमीन ये सड़क के नाल 30 लाख के हिसाब न किला आ, मैं होर कि जरा कि गलों थान लवा, कब्जा मेरा 45-50 साल तो मैं इतने कब्जे हाँ। पुलिस प्रशासन मैं मानयोग SSP साहब और मानयोग SP साहब मजीठा इन्हां दे ध्यान च जिहड़ी गल कल ही लिआंदी सी, मैनूं कल ही इस चीज़ की भिणक पै गई सी, और मैं दवाई लैण गया सी तो मैनूं बाद जदों पता लगा मैं उत्थों SSP साहब नूं फोन किया कि SSP साहब साडा जिहड़ा नुकसान जिहड़ा आ उन्होंने आह कर दिता आ, निशान साहब ला दिता आ, इत्थे मैं 2 बजे का तुहानूं टाइम दिंदा आ, 2 बजे तक मैं 2 बजे पिंड उपर जाणा। कहिंदे प्रधान जी किथे गए, मैं कहा डिप्टी साहब मैं गया वा DMC, मैं 2 बजे उत्थे उपर जाणा वा, 2 बजे मैनू मार दे, मेरे परिवार को मार दे, तो मैं निशान साहब फिर भावें ला लैन, जिन्ना चर जींदा जी हाँ मैं अपनी जमीन के निशान साहब नहीं लगन दूंगा। और फिर उस वेले तुरंत प्रशासन हरकत आया, ये 10:30-11 बजे पुलिस सारी इतने आ गई। हूँ मैं मंग ये करदा वा कि जिहड़ा निशान साहब आ बड़े सत्कार दे नाल असी जे पुटना हुंदा तो मैं आउंदे पुट दिंदा, पर बड़े सत्कार दे नाल मैं प्रशासन के ध्यान गल लिया के ताडे मीडिया के माध्यम के गल लिया के फिर मैं ये निशान साहब जिहड़ा साइड ते करना चाहुंदा हाँ भी जिहड़ा बड़े सत्कार दे नाल असी निशान साहब नूं जां ते असीं फिर भी पुटना ते हैगा ही पर गुरद्वारे रख देंदे असी जां अपने घर रख लैंदे। ठीक है, और इहदी सत्कार करदे निशान साहब दा। असीं इहो चाहुंदे हाँ भी उन्होंने एक तो निशान साहब की बेदबी की आ, उन्होंने निशान साहब जिहड़ा इत्थे गंद बिल बड़ा इत्थे पिया हुंदा वेखो, निशान साहब की बेदबी हो रही आ। मैं एक तो मंग करूँगा मानजो अकाल तख्त साहब के जथेदार के कोल कि इन्हां दे इहो जिहे जिहड़े लोकां दे उत्ते आ कारवाई की जाए, जिहड़ा ये एक तो पंथ का इन्होंने अनुशासन जिहड़ा भंग किया आ। दूजा मैं पुलिस प्रशासन तों मंग करदा आ कि मैनूं ये जिहड़ी मेरी जमीन आ इहदे विचों इन्हां को निशान साहब पटवाया जाए, इन्हां दे हत्थों ही पटवाया जाए, ते जे तकर नहीं प्रशासन कोई पुलिस प्रशासन कोई इहोजिहा एक्शन लऊगा और असी कल तो पक्का मोर्चा जिहड़ा थाने दे गाड़ी भी लाया जाऊगा और SSP दफ्तर दे गाड़ी जिहड़ा आ उही धरना लाउण बारे आउंदे 2-3 दिनां दे विच वी विचार करांगे। जगदीप वल्लों तो तुहाडे ते दोष लगाए जा रहे कि इन्हां ने साडी जमीन ते नाजायज़ कब्जा कीता। नहीं सर, ये साडी परिवार की जद्दी जमीन आ जी, वह मेरे ताए जी का लड़का आ, साडी दादी जी जो डैथ हो चुकी आ, ये साडे हिस्से थां आया सीगा जो कि हुण
इन्होंने उदो आख्या भी असं दादी जी ने खर्चा देने तो तुम ये थान छड़ दौ जिन्ना चिर उन्होंने असी खर्चा देने तो बाद तीन साल हो गए चार उन्होंने डैथ हो गई है बाद चो इन्होंने छड़िया नहीं ना ही भी असं एक दो बार आख्या भी इन्हों पर नहीं छड़िया इन्होंने देखो जी हूँ पटवारी साहब आए थे अपने सारे मुलाजम साहबान भी उत्थे थे सारे के सामने उन्होंने आख्या भी ये जड़ा वा ये सांझा खाता वा तो दिलबाग सिंह जो मेरे फादर ने उन्हों का भी नाम बोलता हाँ जी सर पटवारी साहब फर्द लैके गए ने रिपोर्ट कहते बना के नहीं सर उन्होंने नाँ से नहीं उन्होंने को रजिस्टरी नहीं हैगी जी सारे हमने सारे के सामने देखो जी वो जथेबंदियां ने मलकीत सिंह उर्फ शेर सिंह शहीदी का दर्जा दिता जी उन्होंने 2019 जवापा धारा लगी थी जिदे चलद कि उन्होंने टॉर्चर किया गया उन्होंने इलाज नहीं करवाया गया उन्होंने इस महीने 4 तरीक न डैथ हुई है रात में गुरु नानक होस्पिटल कह लो ज जेल चापा तो कहे जी पर फाइल गुरु नानक होस्पिटल की बाद बनाई गई रात में गया 11:30 देखो सर इन्होंने आप खुद उस दिन आन के साड़ी गल हुई है इन्होंने आप खुद आन के संस्कार करवाया नाल सारिया भी रजामंदी ना सारा कुछ होया वा तो निशान साहब लाने वास्ते भी इन्होंने असं पुछ के सारा कुछ किया वो सारे दरबार साहब वीर सेवा से आते ने उतों आए थे मैं उन्होंने कोई वीर ज़्यादा भी जानता नहीं है मैं उन्होंने बारे पर वीरना सेवा से वो सिंह सारे प्यार असी सर ये चाहते हाँ भी निशान साहब जिथे प्रकाश किए ने हूँ वो वीर का संस्कार किया उस जगह पर तो वह ना पुटिया जाए जे इन्हों जमीन चाहिए है तो पिछे सेम ही इदा का साढ़े को थान है जोड़ा इन्होंने सू पिछे दिता उन्होंने राह भी नहीं कोई शायद लगता वो वाह लैन सू जमीन छड़ दें क्योंकि हाँ जी सर पर इन्होंने असी छोटे छोटे थे साढ़े फादर की असी बचपन च डैथ हो गई थी मैं बहुत छोटा सी ਇਹ ਜੀ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲਾ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫਰਦਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਆ ਜੋ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਸ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਬਾਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਏ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਪਰ ਵਿਖ ਗਏ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਜੀ